नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। पाइल्स यानी बवासीर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का सबसे असरदार घरेलू उपाय, आइए जानते हैं इसके बारे में। अगर आप पाइल्स, बवासीर और हेमरॉइड की बीमारी से परेशान हैं, तो सबसे पहले तो आपके लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि ये बीमारी रातों रात या एक दिन या एक हफ्ते में ठीक हो जाने वाली बीमारियों में से नहीं है, क्योंकि पाइल्स एक ऐसी बीमारी है जो समय के साथ साथ होती है और समय के साथ साथ ही बढ़ती जाती है, और इसलिए इसका इलाज भी समय के साथ साथ ही होता है। और इसे पूरी तरह ठीक करने के लिए कुछ परहेज और सावधानियां बरतने के साथ साथ एक से अधिक उपाय करने की भी ज़रूरी होती है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि किसी भी उम्र के इंसान को हो सकती है। जिन लोगों को अक्सर कब्ज या पेट खराब होने की समस्या होती है, ऐसे लोगों को पाइल्स होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। साथ ही ये बीमारी ज़्यादातर महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान भी हो जाती है। इसके अलावा जिन लोगों को लगातार हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, उन्हें भी पाइल्स होने का खतरा रहता है। अगर आपके परिवार में पहले किसी को इस तरह की प्रॉब्लम हो चुकी है, तो आपको भी ये प्रॉब्लम होने के बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति होने पर खान पान में सावधानी बरतना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि ये बीमारी हमारे प्राइवेट पार्ट और गुप्तांग से संबंधित होती है। इसलिए शुरुआत में अक्सर लोग इसे दूसरों से छिपाते हैं और अपने आसपास के लोगों के साथ शेयर करने में भी कतराते हैं। लेकिन ये बीमारी हमारे पेट से शुरू होती है, और जितनी भी बीमारी हमारे पेट से संबंधित होती है, उन्हें शुरुआत में तो बहुत ही आसानी से ठीक किया जाता है, लेकिन अधिक समय हो जाने के बाद इन समस्याओं से निजात पाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। इसलिए इससे जुड़े किसी भी तरह के लक्षण दिखाई देने पर पहले दिन से ही इस पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी बवासीर, पाइल्स या हेमोराइड्स को दूर करने के लिए, जड़ से ख़त्म करने के लिए कुछ बहुत ही असरदार और कामयाब उपाय, जिनका रोज़ाना इस्तेमाल करने से खून और दर्द की समस्या बहुत तेज़ी से ख़त्म हो जाएगी और पुराने से पुराना पाइल्स भी हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि इस समस्या में तुरंत राहत पाने और इसे वापस आने से रोकने के लिए किस तरह की चीज़ें हमें ज़्यादा खानी चाहिए और कौन कौन सी सावधानियां भी बरतनी चाहिए। चलिए बात करते हैं पहले नुस्खे की। पाइल्स की बीमारी को बाहरी रूप से तेज़ी से ठीक करने के लिए जात्यादि तेल बहुत ही फायदेमंद होता है। जात्यादि तेल मुलेठी, हरड़ और शहद, हल्दी जैसी 20 प्राचीन आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से मिलकर बना होता है, जो कि पूरी तरह प्राकृतिक होता है, और इसका इस्तेमाल घावों को भरने तथा त्वचा से संबंधित कई तरह के रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसका असर पाइल्स के मसों पर बहुत तेज़ी से होता है, और साथ ही एक बार ठीक हो जाने पर ये उस जगह का इन्फेक्शन को भी पूरी तरह ठीक कर देता है, जिससे कि ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं आती। इसका इस्तेमाल करने के लिए रुई या कॉटन का एक टुकड़े को जात्यादि तेल से अच्छी तरह भिगो ले। अब इस भिगोए हुए कॉटन बॉल को अपने एनस को यानी कि गुदा द्वार पर लगाकर हल्के हाथों से अंदर की तरफ दबाएं। ऐसा करने से कॉटन में मौजूद तेल निकलकर अंदर रेक्टम की ओर जाएगा और वहां पर मौजूद इफेक्टेड एरिया को तेजी से हील करेगा। इसमें एक बार में हमें 2 से 3 ml से ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपको ज़्यादा अंदर की तरह मस्से हैं, तो आप कोशिश करें कि ये तेल ज़्यादा से ज़्यादा अंदर की ओर जाए। इसका इस्तेमाल एक दिन में 3 से 4 बार या दिन भर में जितनी बार भी आप शौचालय जाते हैं, तब हर बार फ्रेश होने से पहले और फ्रेश हो जाने के बाद इस तेल का इस्तेमाल करें, और साथ ही रात में सोने से पहले भी इस तेल का इस्तेमाल जरूर करें,
इसे रात में लगाने से उस तेल में भिगोए हुए कॉटन को रात भर के लिए उस जगह पर ही लगा रहने दे। ऐसा करने से इसका असर दो गुने ज़्यादा रफ्तार से होता है। पाइल्स या बवासीर की बीमारी में जात्यादी तेल का इस्तेमाल आयुर्वेद में पुराने समय से किया जाता आ रहा है। एक हफ्ते तक इसका इस्तेमाल करते रहने से आपको बहुत ही अच्छा फल महसूस होगा, लेकिन अच्छे परिणाम के लिए इसके साथ कुछ और घरेलू नुस्खों का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके लिए अगला जो नुस्खा है उसे बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगी जामुन के बीज, आम के बीज और जीरा पाउडर की। इसमें हम आम के बीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। आम का बीज खूनी बवासीर में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। जिन लोगों को भी पाइल्स की बीमारी की परेशानी से काफ़ी दिन हो गया है और अक्सर खून आने की प्रॉब्लम बनी रहती है, तो ऐसे स्थिति में आम के बीज बहुत अधिक लाभकारी होते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आम और जामुन के बीजों को अच्छी तरह सुखा लें और इनका पाउडर बना लें। आम के बीज का पाउडर बनाने के लिए सूखने के बाद इसके अंदर वाले हिस्से का ही इस्तेमाल करें। इसके बाद 50 ग्राम जामुन के बीज में 25 से 30 ग्राम आम के बीज का पाउडर और 25 ग्राम भुने हुए जीरे का पाउडर, सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। इस तरह से आपका ये नुस्खा तैयार हो गया। इस तैयार पाउडर का सेवन रोजाना सुबह एक चम्मच खाना खाने के बाद बहुत हल्के यानी गुनगुने पानी के साथ मिलाकर करें। इसमें मौजूद जामुन के बीज हमारे पेट को साफ करते हैं और हमारे स्टूल को भी नरम बनाते हैं, जिससे कि फ्रेश होते समय हमें ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता है और साथ ही ये हर तरह के इन्फेक्शन को भी तेजी से खत्म करता है। इस नुस्खे का इस्तेमाल हमें सुबह और दिन के खाने के बाद ही करना है, रात के खाने के बाद इसका इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा एक और आयुर्वेदिक उपाय है जो हेमोरॉइड में बहुत ही फायदेमंद है, वो है अभ्यारिस। ये एक पिए जाने वाली आयुर्वेदिक औषधि है। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर या फिर पतंजलि या आयुर्वेदिक स्टोर पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। इसके अलावा आप चाहे तो इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। अभ्यारिस्ट का इस्तेमाल पेट से जुड़े सभी तरह के रोगों के लिए किया जाता है और खासकर पाइल्स में ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। जात्यादि तेल की तरह ही अभ्यारिस्ट ये भी 15 से अधिक आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से मिलकर बना है। पाइल्स में होने वाले असहनीय दर्द के लिए ये बहुत ही कारगर माना जाता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए एक कप हल्का गर्म पानी ले लें और उसमें 2 से 3 चम्मच अभ्यारिस्ट मिलाकर रोजाना सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद सेवन करें। लगातार इसका इस्तेमाल करते रहने से आप देखेंगे कि दिन प्रतिदिन आपके दर्द में बहुत ही कमी हो जाएगी और पाइल्स की बीमारी में भी सुधार आता जाएगा। अभ्यारिस्ट का इस्तेमाल एक बार में 15 से 20 ml से अधिक नहीं करें और साथ ही गर्भावस्था के दौरान इसका सेवन करना हानिकारक हो सकता है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाएं इसका सेवन बिल्कुल भी ना करें। इसके अलावा कुछ साधारण खाई जाने वाली चीज़ें होती हैं जो पाइल्स होने पर बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होती है। इसके लिए मूली और करेले का रस भी बहुत ही उपयोगी होता है। जिन लोगों को भी खूनी या बादी किसी भी प्रकार की बवासीर की समस्या है, उन्हें 1 हफ्ते में 3 बार 1 कप करेले का रस और 1 कप मूली का रस जरूर पीना चाहिए। ऐसा करने से इन्फेक्शन तेजी से ठीक होता है और बुरे से बुरे दर्द में भी तुरंत राहत मिलती है। इसके अलावा फलों में नारियल पानी, पपीता, तरबूज, बेल का फल और जामुन बहुत ही फायदेमंद होता है। बेल का फल पाइल्स में बहुत ही चमत्कारी औषधि की तरह काम करता है। जिन लोगों को भी बुरे से बुरा कब्ज या एसिडिटी की समस्या है, उन्हें 3 बार इसका शरबत या पाउडर का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ ही रोजाना 1 टाइम नारियल पानी पीने से भी बहुत ही फायदेमंद होता है। नारियल हमारे पेट को गर्म होने से रोकता है। पाइल्स के दौरान पेट में बड़ी जरा सी भी गर्मी अचानक या फिर फ्रेश होने के बाद होने वाले दर्द का कारण भी बन सकती है। ऐसे में रोजाना खाली पेट आधा ग्लास
नारियल पानी पीना बहुत ही लाभकारी होता है। इसके अलावा पेट को ठंडा रखने के लिए ताजा बना हुआ दही भी बहुत ही फायदेमंद होता है। रोजाना सुबह नाश्ते में सादे या नमकीन दलिये या ओट्स के साथ दही का सेवन करने से शरीर में फाइबर की मात्रा भी बढ़ती है और पेट की गर्मी भी कंट्रोल में रहती है। इसके अलावा सब्जियों में पालक और कटहल बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है, क्योंकि इन दोनों में ही आयरन और फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो कि बवासीर की बीमारी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शरीर में आयरन और फाइबर प्रचुर मात्रा में होने से हमें स्टूल पास यानी कि मल विसर्जित करने से किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता और शरीर में आई कमजोरी भी दूर हो जाती है। अगर आप रोजाना रोटी खाते हैं तो खाने में रोटी की मात्रा कम करके आप अपना आधा पेट सीजनल फ्रूट से भर लें और साथ ही गेहूं के आटे की जगह रोटी बनाते समय उसमें थोड़ी मात्रा में जौ का आटा भी मिक्स कर दें। इसके अलावा पाइल्स होने पर शरीर में पानी का कमी होना इस बीमारी को और बदतर बना सकता है, इसलिए दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, लेकिन एक घंटे में 250 ml से ज़्यादा ना पिए। पाइल्स या बवासीर की बीमारी एक बहुत ही गंभीर और दर्दनाक बीमारी है, इसलिए चाहे इसकी शुरुआती स्टेज हो या फिर ये ठीक होने वाला हो, बिना खान पान में परहेज किए या बिना सावधानी बरते इसे जड़ से खत्म करना असंभव है। इसलिए खान पान में ज़्यादा तीखा या मसालेदार भोजन जब तक आपको तकलीफ हो तब तक पूरी तरह से ही छोड़ दें, और अगर आप थोड़ा सा तीखापन चाहते हैं तो केवल हरी मिर्च का ही सेवन करें, लाल मिर्च का सेवन बिल्कुल भी ना करें। लेकिन अगर आप अनजाने में कुछ तीखी या मसालेदार चीज़ें खा लेते हैं तो उसके बाद अपने पेट में होने वाली गर्मी को ठीक करने के लिए खीरे और पुदीने का जूस जरूर पिए या फिर तुरंत एक ग्लास नारियल पानी का सेवन कर लें। हेमरॉइड्स होने पर मस्से होना और उनमें से खून आने की प्रॉब्लम होती ही है। ये मस्से बढ़ी हुई बादी फैट का ही एक रूप होता है, इसलिए इस बीमारी में ऐसी चीज़ों का सेवन करना जो कि हमारे शरीर में बादी और फैट की मात्रा को और अधिक बढ़ाए, वो भी इस बीमारी को 2 गुने ज़्यादा रफ्तार से बढ़ा सकता है। इसलिए जितनी भी मैदे से बनी हुई चीज़ें होती हैं, जैसे कि ब्रेड, टोस्ट, बिस्किट्स, बंस, ऐसी चीज़ों का सेवन कम से कम ही करें, और साथ ही चर्बी पैदा करने वाली चीज़ें जैसे कि आलू, चना, चने की दाल, बेसन और सोयाबीन या उससे बनी हुई चीज़ों से जितना हो सके उतना ही दूर रहे, क्योंकि ये सारी चीज़ें शरीर में पानी को सोखती है और कब्ज होने की संभावना को बढ़ाती है। पाइल्स की बीमारी के दौरान हमारा पेट पूरी तरह साफ रहना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इस बीमारी की मुख्य जड़ ही कब्ज होती है, और अगर पाइल्स के दौरान पेट साफ ना रहे तो इस बीमारी से बचना असंभव है। इसलिए जितनी भी तली हुई चीज़ें या फिर पैकिंग में आने वाली चीज़ें जिनमें कि प्रिजर्वेटिव की मात्रा ज़्यादा होती है, ऐसी चीज़ों का कम से कम सेवन करें, और बाहर का जंक फूड खाने की जगह घर पर बना हुआ सादा भोजन ही करें। पाइल्स की बीमारी में हमारा ब्लड प्रेशर पूरी तरह सामान्य होना चाहिए, क्योंकि कई बार सिर्फ बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर ही इस बीमारी को और भी नासूर बना देता है। इसलिए जो लोग भी धूम्रपान या शराब का सेवन करते हैं और खाने में हमेशा नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं, ऐसे लोगों को इस बीमारी के दौरान इन सारी चीज़ों को पूरी तरह बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा ज़्यादा मीठा या खट्टा भी इस बीमारी को बढ़ा सकता है, खासकर जो बाहर की बनी हुई मीठी चीज़ें जैसे कि आइसक्रीम, मिठाई या बेकरी आइटम्स, इन सभी चीज़ों में रिफाइंड शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है, जो कि हमारे शरीर में पानी को कम करके हमारे मल को सख्त बनाती है और कब्ज होने का सबसे बड़ा कारण भी बन जाती है। साथ ही खटाई शरीर में जख्मों को और ज़्यादा पकाने और गंभीर बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए खट्टी चीज़ें जैसे कि कैरी और इमली या इनसे बनी हुई चीज़ें इस बीमारी के दौरान बंद कर दें। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।